आज मेरे साथ हैं युवा जुझारू विक्रम सिंह जी कलहरी, और ये आटा चक्कियों के विषय में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, उनके साथ आए हैं और जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं पेश आ रही है और आपके क्या मुद्दे हैं। ऐसा है कि जो मोबाइल आटा चक्कियाँ हैं उसको लेकर के काफ़ी समय से परेशानी इन मोबाइल आटा चक्की वालों को हो रही है। मजदूर और लोग हैं जो गरीब है, मजदूर पेशा व्यक्ति है, वर्तमान में जो मोबाइल आटा चक्कियाँ हैं का अपना कार्य करके और अपने परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में गांव और जो शहर में आटा चक्कियों द्वारा माननीय को लिखित में कहकर हम मोबाइल आटा चक्की को नहीं चलाने हेतु पाबंद किया गया है कि आगे से सरकार की ऐसी मंशा है कि दूसरी जो घरेलू चक्कियाँ चल रही हैं उन्होंने कहा है कि ये मोबाइल आटा चक्कियाँ बंद की जाएं। लेकिन इन मोबाइल आटा चक्कियों का लोगों को, आमजन को बड़ी सुविधा है। जैसे कोई विकलांग है, डाणियाँ दूर दराज की, जैसे डाणियाँ उनमें डाणियों में जाकर के ये आटा निकालते हैं, और जैसे कोई विधवा महिला है या गांवों के अंदर बरसात के दिन है, और ख़ास तौर से जो एक महन अहम मुद्दा ये है कि बिजली के जो बड़े बड़े कट लगते हैं जैसे बरसात के दिनों में है, तूफान की वजह से दो दो तीन तीन दिन या बड़े तीन चार घंटों के कट लगे रहते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। आपके कहने का मतलब पब्लिक को इस इनकी सुविधाओं का लाभ हो रहा है और आमजन को फायदा हो रहा है? बिल्कुल विनोद जी, इनका पूरा लाभ मिल रहा है, इनका जो मोबाइल आटा चक्की है इसका पूरा आमजन लाभ ले रहा है। इसकी एक और है, ये जो मोबाइल आटा चक्की वाले हैं लोगों के घरों में जा करके उनके सामने आटा छान करके, आटे को तोल करके, आटा उनके घर से निकाल के उनके सामने रखते हैं, तो इसमें एक के पारदर्शी काम है। इसमें कोई वो बदलने वाला और इस तरीके का अविश्वास का झंझट नहीं है, अविश्वास या झंझट नहीं है। एक हम आटा रख के कहीं आ गए, हाँ जी, घर पे आ गए, तीन दिन आटा लेने जाते हैं, तो उसमें शुद्धता का वो मापक नहीं रहता है। तो मोबाइल आटा चक्कियाँ जो है आमजन के लिए सुविधा है, शुद्ध। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि आने वाले समय में आटा चक्कियों को बंद न किया जावे, मोबाइल आटा चक्कियाँ चलनी चाहिए, और इनका जो टैक्स है ये भरने के लिए तैयार है। उसके अंदर भी जो सरकार के नॉर्म्स लगाए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का जैसे मॉडल है या चक्कियों के नॉर्म्स हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा कटौती की जाए। जैसे 2010 मॉडल ट्रैक्टर है या कोई जो भी सरकार ने उसमें नॉर्म्स लगाए हैं उनको थोड़ा ढील दी जाए, क्योंकि छोटे काश्तकार इनके पास नए साधन नहीं है, कम से कम उसमें मॉडल में थोड़ी छूट दी जावे ताकि ये टैक्स भर के अपना जो रोजी रोटी चला सके। ये आम आदमी है, अपने जीवो का उपार्जन के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने जीवो उपार्जन के लिए कर रहे हैं और आमजन को सुविधा भी दे रहे हैं। ठीक, तो आने वाले समय में संग्रह तहसील के पूरी आटा चक्की वालों को इकट्ठा किया जाएगा, एक बार फिर उन्हें उपखंड अधिकारी पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद पूरे हनुमानगढ़ जिले के जो आटा चक्की वाले हैं, मोबाइल आटा चक्की वाले हैं, उनको एकत्रित करके जिला कलेक्टर के मार्फत सरकार तक भी इस बात को पहुंचाया जाएगा, और माननीय MLA साहब को भी इस संबंध में हम बताएंगे ताकि विधानसभा में भी इस बात को आगे रखा जाए। धन्यवाद।